हेडिंग डाला है मैंने शेयर री इशू, बस मान के चलो आप काफ़ी मैक्सिमम पॉइंट्स तो कवर हो चुका है। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी चलता रहता है कि सर ये तो ट्वेल्थ का जैसा ये है, थोड़ा सा बोर भी हो रहे हैं एक से दो क्लासेस के बाद। और स्पेशली मैंने एक वीडियो भी एप्लीकेशन के अंदर डाल दी है कि हाँ डेफिनेटली आपको लग रहा है कि ये सारा का सारा ट्वेल्थ का है, क्या क्या डिफरेंट है वो भी मैंने डाल दिया उसके अंदर, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो बात करते हैं हम रीइशू। मैं एग्जांपल लूँगा, आप सिंपल शेयर फोर फीचर करना, मैं सारी एंट्री नहीं करूँगा, डायरेक्ट फोर फीचर और रीइशू की बात करेंगे। मान लेते हैं मैंने क्या करा, दस रुपये के शेयर के अंदर मैंने बताया ₹5 और ₹3 और ₹2 प्रीमियम अभी नहीं ले रहे हम, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर राम फेलियर था और राम के थे 300 शेयर। अब हमें इसका फोर फीचर करना है और इसका रीइशू भी करना है। मैंने कहा रीइशू 200 शेयर at 9 per share, 200 शेयर at 9 per share। कहने का मतलब है इसके 300 शेयर फोर फीचर किए हैं लेकिन हमने 300 रीइशू नहीं किए, हमने रीइशू कितने किए अभी तक लास्ट क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट किए थे उसके अंदर 300 फोर फीचर किए, फटाफट 300 रीइशू कर दिए। लेकिन अब थोड़ा सा मैंने क्या करा, अलग कर दिया इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फोर फीचर की बात करूँ तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टू शेयर फोर फीचर और टू अब कॉल सिनेरियर अब इसके अंदर अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो क्या क्या आएगा, क्योंकि मैंने पूरा मांगा वो यहां पे फोर फीचर हुआ है इसका, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो आप बोलोगे सर 10 × 300 यानी 3000 फोर फीचर होगा सिर्फ ये वाला पार्ट, क्योंकि यहां से तो वो फेल हो गया है, तो ये वाला पार्ट फोर फीचर होगा यानी 300 × 5, तो 5 × 300 मतलब 1500 रुपये, ठीक है ना। कॉल सिनेरियर में ये दोनों चला जाएगा 5, तो ये भी आ गया कितने 1500, ये तो शेयर फोर फीचर हो गया। अब रीइशू की बात करते हैं तो रीइशू 200 शेयर किए 9 पे हमने, तो बैंक में पेमेंट आएगा हमारे बैंक अकाउंट डेबिट, याद है आपको थोड़ा बहुत, बैंक में जब अब पेमेंट आएगा ना वो 200 × 9 से आएगा, ठीक है ना। 9 का मतलब ये आ गया हमारा 2000। इसके बाद शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट करना होगा, अच्छा 1800। इसके बाद शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट करना होगा कितने से, ₹1 का नुकसान है तो 200 × 1, तो ये आ जाएगा हमारा ₹200। इसके बाद क्या आएगा टू में, हम देखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आ गया पूरे 2000 का। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है। अब मेन जो पॉइंट इंक्लूड करूँगा ना वो करूँगा मैं किस में, कैपिटल रिजर्व में। अब कैपिटल रिजर्व में पहले क्या करते थे कि भाई 1500 कमाया और नुकसान 200 का 1300 भेज देते थे, लेकिन अब 1500 जो कमाया है ना वो 300 शेयर पे कमाया है और जो हमारा ₹200 का नुकसान है वो 200 शेयर पे है। तो हमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री में तो कोई बदलाव नहीं होना, वही होना है आपका शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। बट यहाँ पर बदलाव क्या होगा कैलकुलेशन में, सबसे पहले शेयर फोर फीचर में अमाउंट कितना जाएगा, तो पहले आपको पता ही क्या निकालना है, आपने एक्चुअल कितना, यहाँ 1500 तो दिख रहा है लेकिन 1500 कितने शेयर पे है बताइए, 300 शेयर पे है, लेकिन हम 1500 और 200 को कंपैरिजन करें तो कहीं से भी कंपेरेटिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट कैसे करूँगा मैं, कन्वर्ट करूँगा मैं यहाँ पर, मैं फार्मूला लिख देता हूँ अमाउंट कैसे निकालेंगे कंपेरिजन करने के लिए। तो फार्मूला कह लो, कुछ भी कह लो, टोटल शेयर फोर फीचर अमाउंट, अब बताइए मेरे एग्जांपल में कितना है टोटल शेयर फोर फीचर अमाउंट, तो 1500 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ शेयर, जितने नंबर ऑफ शेयर आपने फोर फीचर किए हैं, मल्टीप्लाई बाय रीइशू, मल्टीप्लाई बाय रीइशू। तो यहां पे देखा जाए तो हमारा ₹1500 कमाया है
और टोटल नंबर कितने थे 300 और गुना में रीशू के 200, तो अल्टीमेटली इसकी कमाई जो मानी जाएगी ना वो मानी जाएगी कितने रुपए 1000। अब यहाँ से लॉस कंपेयर करना, इससे 1000 की एक्चुअल में इनकम है और 200 का नुकसान, तो यहाँ पे पता ही क्या जाएगा हमारा 800। बहुत सारे केसेस करने वाले हैं हम इसके, ऐसा नहीं कि एक ही केस में मैं ख़त्म कर दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट मैं केसेस करूंगा। तो पहले बताइए यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? चलिए पहले इसको नोट करिए, मैं छोटे छोटे केसेस कराता जाऊंगा, नोट कराता जाऊंगा, आज ये वाला टॉपिक पूरा हम ख़त्म कर लेंगे। पहले इसको नोट करते जाइए आप। चलिए देखिए एक न्यू एग्जांपल, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 300 शेयर राम फेल हो गया, इसका फोर फीचर यहाँ किया, यहाँ पे 200 शेयर है ये भी फेल हो गया, इसका भी फोर फीचर हम वहीं करेंगे। और मैंने कहा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे जो है 400 शेयर रीइशू कर रहा हूँ मैं एट 9 पर शेयर, तो यहाँ पे ना एक कन्फ्यूज़न आ गया कि सर 400 शेयर करते रहे हो तो इसके 300 हैं, इसके 100 हैं या इसके 200 और इसके 200, ये कन्फ्यूज़न रह रहा है। आपको एग्जामिनर हमेशा देगा, जैसे मैंने कहा कि रीइशू 400 शेयर एट 9 पर शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ राम, यानी राम के सारे शेयर्स हैं और बाकी इसका है। तो अगर मैं 400 शेयर रीइशू कर रहा हूं तो इसके कितने हैं पूरे 300 और इसके कितने 200। तो अब दो के तो पहले फोर फीचर कर लें हम, तो फोर फीचर मैं इसका करूंगा तो कैसे एक एंट्री और करनी पड़ेगी फोर फीचर की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे बताइए, 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 ये कितने रुपए का आ गया, और टू शेयर फोर फीचर बताइए क्या आएगा, इसने ये जो फेलियर है उसने ये और ये दिया है ना, तो फेलियर क्या आ जाएगा हमारा 200 मल्टीप्लाई बाय 8, 1600 जब्त हो गए, और टू कॉल सिनेरियर क्या आ जाएगा, और ये 400 रुपये आ जाएगा। क्लियर, दोनों के फोर फीचर हो गए। क्या रीइशू सर दोनों के अलग अलग करने, नहीं रीइशू हम इकट्ठा ही करेंगे दोनों का हमेशा, ठीक है ना। रीइशू की बात करें तो हमारे बैंक में पेमेंट आएगा, तो बैंक में कितने रुपये का पेमेंट आना है, हमने शेयर 400 रीइशू किए हैं, 400 गुणा में 9 यानी बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा हमारा 3600, और शेयर फोर फीचर आ जाएगा हमारा अकाउंट कितने का 400, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा हमारा 4000। समझ पा रहे हो यहाँ तक? अब बात करते हैं हम जब शेयर फोर फीचर को कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, तो शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब मुद्दे की बात है सर शेयर फोर फीचर कैपिटल रिजर्व कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ तो दो दो है। तो देखो इस वाले कैटेगरी का जो कंपैरिजन होगा वो फुल से होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक तो पहले राम वाले का इधर मैं कर देता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ किसका, मोहन वाले का। राम वाले का अगर देखा जाए तो राम वाले का अर्निंग पहले मैं अर्न लिख देता हूँ, ये आपको करना जरूरी नहीं है, आप बस समझिए इसे, मतलब कि कैलकुलेशन ऐसे दिखाना एग्जाम में कोई नेसेसरी नहीं है। राम की अर्निंग कितनी थी, राम से कितना कमाया था 1500, और सर मैंने राम के बाद बात करें हम किसकी बात कर रहे हैं, मोहन, मोहन से कितने कमाए 1600 रुपये। लेकिन राम के तो हमने सारे शेयर रीइशू किए हैं, तो अब राम के शेयर से लॉस काउंट करिए, तो राम का शेयर 300 था और हर एक शेयर पे तो एक का ही लॉस है, तो इससे अगर मैं लॉस काउंट करूँ ना तो कितना बनेगा 300, तो इसकी कमाई कितनी हो गई हमारी जो कि 1200, इसके हिस्से का 1200 जाएगा कैपिटल रिजर्व में। पहली बात सर इससे कमाया हमने 1600, लेकिन इसका लॉस, पहली बात तो इससे जो कमाया 1600 ये सारा रीइशू नहीं किया, तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला लिखा था ना अभी वैसे ही, तो इसकी कमाई जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये 1600 रुपये मोहन से हमने अर्निंग किया है, ये बात सच है, लेकिन इससे कैलकुलेशन नहीं होगा, पहले इसे क्या करना पड़ेगा हमें, कन्वर्ट। कन्वर्ट कैसे करेंगे हम 1600 को, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1600 मल्टीप्लाई, डिवाइड किससे करूँ मैं 200 और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इससे एक्चुअल की कमाई देखी जाए तो कितनी है 800, और इससे एक्चुअल का लॉस कितना है, इसके कितने शेयर रीइशू किए हैं 100, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100, तो इससे कमाई हो गई टोटल 700, इससे कमाई हो गई टोटल 700। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। हुआ है इस क्वेश्चन में ये कि एक व्यक्ति जिसके सारे शेयर रीइशू कर दिए,
तो उसका तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो, उससे कितना प्रॉफिट अर्निंग किया और माइनस उसके हिस्से का कितना लॉस है, 1 रुपये पर कर लॉस है। तो ऐसे दूसरा ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति था जिससे कि हमने 4 फीचर तो ज़्यादा शेयर किए हैं लेकिन उसका रीइशू कम किया, तो उसके पहले 4 फीचर वाले अमाउंट को कन्वर्ट करो, जो मैंने कन्वर्ट किया फॉर्मूला लिखा था। इसके बाद उसका लॉस कितना आएगा हिस्से का, क्योंकि उसका शेयर 100 ही रीइशू है और 1 रुपये का लॉस 700, अब कितने हो गए 1200 और प्लस 700 टोटल कितने हो गए 1900, और 1900 जाएगा हमारा कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। एक और एग्जांपल मैंने किया, ये एग्जांपल नंबर 2, इसको भी नोट करिए फटाफट आप, फिर अगले एग्जांपल पे भी चलेंगे हम। इसके अंदर क्या कहता है, द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड फोरफिटेड 50 शेयर, डायरेक्टर ने 500 शेयर फोरफीचर किया है 50 ईच। तो कहता है कि यहाँ पे डायरेक्टर है जिसका 400, डायरेक्टर ने 500 शेयर फोरफीचर किए हैं, मैं लिख भी रहा हूँ, और क्वेश्चन कहता है 50 रुपीज़ का एक शेयर हुआ करता है। अब 50 में से एग्जामिनर ने बोला है कि 40 कॉल्ड कर लिया है मैंने, कॉल्ड का मतलब 40 तो मैंने इससे मांगे ही हैं, एंड विच राधा शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 25 बट डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी 15 रुपये। कहता है राधा थी एक जिसके पास ये शेयर है, उसने इस 40 में से सिर्फ हमें 25 दिए हैं और 15 रुपये नहीं दिए, फेल हो गई है, और ये जो भी था हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा था, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि ऑफ दीज शेयर फोरफिटेड सब्सिक्वेंटली रीइशू कर दिया 350, आपका इसमें से सिर्फ मैंने रीइशू करे हैं 350 शेयर फुल्ली पेड अप 40 रुपीज़ पर शेयर। अब फुल्ली पेड अप का मतलब समझिए, फुल्ली पेड अप का मतलब जो हमारा फेस वैल्यू होता है ना वो पूरा, यानी ये 40 फुल्ली पेड अप कह रहा है, तो इसका मतलब आपको 50 का शेयर क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पे लॉस कितने का नजर आ रहा है पता है, कितने का, 10 रुपये का, समझे। दोबारा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है 500, उससे 40 मांग लिए गए थे और ये वाला 10 उससे मांगा ही नहीं गया, इसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल भी। तो उसने बोला इस 40 में से उसने 2500 दिए और 15 नहीं दिए। तो अब हम शेयर फोर फीचर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे आपके, 500 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि फोर फीचर सारे हुए हैं रीइशू नहीं हुए, तो फोर फीचर तो पूरे ही करेंगे, 500 मल्टीप्लाई 40 ही कॉल्ड अप है, ये तो मांगा ही नहीं है, तो 40 यानी 20,000। टू शेयर फोर फीचर में क्या अमाउंट जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 25 कितने, 12,500, और टू कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर 7500 आ गया, ठीक है। अब रीइशू की बात करते हैं, कितने शेयर रीइशू किए गए इसमें से, 350 शेयर रीइशू किए गए हैं, और कितने रुपए का एक शेयर रीइशू किया गया है जी, 40 रुपये फुल्ली पेड अप। तो बैंक में पेमेंट मेरे जो आएगा वो कितने से आएगा, 350 शेयर मल्टीप्लाई बाय 40, और शेयर फोर फीचर में नुकसान में चला जाएगा, 350 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या चला जाएगा, 350 शेयर गुना में 50, ठीक है। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, क्या आ रहा है, 14,000 3500, और ये आ जाएगा हमारा 17,550 का, ठीक है ना। अब बताइए हमें हमारी अगली एंट्री कौन सी करनी है, हमें रीइशू, तो शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या मैं सीधा माइनस कर सकता हूँ 1200 माइनस 3500 12,500, नहीं, पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट अगर हम करते हैं तो 12,500 इसको डिवाइड किससे किया जाए, किससे किया जाए 500 से, मल्टीप्लाई किससे किया जाए 350। तो आप ध्यान से देखो, और डायरेक्ट भी मैं बता देता हूँ करने का, आपको पता है अल्टीमेटली मैंने जो कमाया है 25 कमाया है, तो 350 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है, इससे तो वही मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25, कैलकुलेट कर लेते हैं, 12,500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 350 8,750 रुपये कमाए हैं, नुकसान कितने का हुआ 3500, तो माइनस 3500 कर देंगे तो 5250 रुपये यहाँ चला गया, 5250
50। समझ में आया क्वेश्चन आपको? ठीक है, केस नंबर टू भी कर लेते हैं साथ के साथ, चार केसेस में गिवन है यहां पे, तो केस नंबर टू कर लेते हैं हम। या ये इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा। हाँ पूछिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले हुआ होगा ये अजम्पशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इसके सेकंड केस में एक बार पढ़ देता हूँ। बी लिमिटेड का फोरफिटेड हुआ है, यहाँ पे कॉल्ड अप दे रखा है, सारे क्वेश्चन हमारे लगभग लगभग ना सेम है, बस फोर्थ पॉइंट नहीं होगा। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक हिंट दे दिया, इलस्ट्रेशन 15 भी होमवर्क में ही रहेगा आपका, एक पार्ट मैंने कर दिया, इसको नोट करिए, फोर्थ पार्ट में अभी समझा दूंगा प्रीमियम वाला। यहाँ तक क्लियर है? फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? पूरा फेस वैल्यू के बराबर, ठीक है ना, इसको नोट करिए आप। तो यहाँ पे चलिए इसके अंदर ना तीन केसेस बनते हैं, फोर फीचर कर रहे हैं शेयर जब हमने प्रीमियम पे इशू किया हो। तीन केसेस क्या क्या बन सकते हैं, तीनों केसेस को देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। एक तो हो सकता है कि आपने आप जो फेल हुआ है, जो शेयर होल्डर फेल हुआ है, जैसे मैं पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके नीचे हेडिंग लिख दूंगा कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मान लेते हैं 10 रुपये और प्लस 2 रुपये, या पहले हेडिंग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर, एक केस हो सकता है जब हो आफ्टर पेड प्रीमियम, आफ्टर पेड प्रीमियम, सर एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल क्या है कि 10 रुपये और प्लस 2 रुपये का शेयर, 2 रुपये मैंने प्लस किया तो क्या होगा बताओ, ये प्रीमियम होगा। और इसका मैं डिटेल आपको दे देता हूँ, जैसे मान लो 2 रुपये, 6 रुपये और 4 रुपये, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम और 4 रुपये का आपका शेयर कैपिटल, ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। एंड ये जो आपका है ये है फाइनल कॉल, इसे क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और ये क्या होगा, फाइनल कॉल। यहाँ 200 शेयर था राम के पास और ये फेल हो गया, तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखा, आफ्टर पेड प्रीमियम, यानी प्रीमियम का पैसा देने के बाद फेल हुआ है, समझे बात, कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब ऐसे केस में कैसे जर्नल एंट्री करना है, देखो जब ओरिजिनली इशूड हमारा प्रीमियम पे होता है ना, तो फोर फीचर वाले एंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, उस वाली एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, री इशू वाली पे, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान देना, जब कभी भी हमारा इक्विटी शेयर की बात हो रही है, तो वैसे तो कॉल्ड अप हमने पूरा था, तो पूरा अगर मैं काउंट करूँ तो सर ये तो 12 आता है, तो 12 कैपिटल तो है नहीं, कैपिटल कितना है, 10 है, तो यहाँ पे जवाब आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 200, पहले इस बात को आप देखना, ये आ जाता है हमारा टोटल 2000 रुपये, ठीक है ना। अब 2000 आने के बाद अब करेंगे टू शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर जितना पैसा इसने दिया है वो फोर फीचर करेंगे। तो एक तो इसने ये दे दिया है और एक 6 रुपये भी दिया है, लेकिन आप ध्यान देना कि जो 6 रुपये दे रखा है ना, इसमें प्रीमियम के 2 है, तो प्रीमियम का पैसा जब कभी भी हम शेयर होल्डर से लेते हैं तो वो हमारा ही पैसा होता है, उसको फोर फीचर कभी नहीं किया जाता। तो इसका मतलब यहाँ फोर फीचर में जाएगा ये 4 रुपये और 2, इसका मतलब सिर्फ 6 × 200, तो ये आएगा 1200। और 2 क्या आ जाएगा हमारा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में क्या आएगा हमारा, पूरे अगर देखा जाए 400 और 200, 800 आएगा। तो पहले का देखो फोर फीचर, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर अगर आप एक बार री इशू भी कर दो तो ठीक हो जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ, मान लो मैंने ये शेयर री इशू कर दिया 10 रुपये का, तो 10 रुपये का जब अगर मैं री इशू करूँगा तो एंट्री क्या करोगे आप, सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 रुपये 10 रुपये, यानी 2000 रुपये आ जाएंगे, और सारा का सारा फोर फीचर कहाँ पहुँच जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ ना फोर फीचर का केस अगर होता है प्रीमियम वाला, वहाँ इम्पैक्ट जरूर आता है, री इशू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, री इशू जैसा हमने सीखा है पिछले क्लासेस के अंदर वही रहने वाला है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। पहले ये वाला फर्स्ट केस समझ में आया,
तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ नया क्या सीखा आपने, नया यहाँ पे न्यू क्या सीखा है सर, न्यू ये सीखा है कि अगर शेयर होल्डर प्रीमियम के साथ के भी पेमेंट देता है तो प्रीमियम वाला अमाउंट हटा के हमें शेयर फोरफीचर में करना है। क्लियर है आपको ये बात? चलिए एक केस हम बनाते हैं यहाँ पे, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस बना देते हैं बिफोर प्रीमियम पेड। प्रीमियम पेड करने से पहले ही उसका फोरफीचर हो जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 10+2 का मैं लेके चल रहा हूँ शुरू से ही, और यहाँ थोड़ा सा कॉल मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, सेम ही ले लेते हैं, चलो 2 रुपये और 6 रुपये और 4 रुपये। इस बार मैंने कहा जी प्रीमियम यहाँ है, इस बार मैंने फाइनल कॉल पे प्रीमियम बोला है 2 रुपये और 2 रुपये, ये शेयर कैपिटल है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। मैंने कहा ये यहाँ फेल हुआ, राम जो है ना वो फेल कहाँ हुआ, यहाँ पे कितने शेयर है 200, और इसका शेयर फोरफीचर यहीं कर लिया, मैंने इससे फाइनल कॉल का मौका ही नहीं दिया, मैंने फोरफीचर यहीं कर लिया इसका। समझ रहे हो बात आप? तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या लिखा, बिफोर प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड या प्रीमियम कॉल करने से पहले ही अगर उसका शेयर फोरफीचर हो जाता है तो कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो एंट्री क्या होगी, देखिए सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, क्योंकि यही था हमारा 6 और 2 8, तो 200 × 8 यानी 1600, और 2 शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफीचर में होगा हमारा 200 × सिर्फ 2 रुपये ही फोरफीचर होगा यानी 400, और 2 हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर, और ये आ जाएगा 600 रुपये। सेकेंड केस देखिए, मैं केस को बड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूँ, चाहे आपके बुक में है नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पता भाई कैसे आ जाएगा, तो अच्छा 1200 आएगा ना, ये 6 तो ये आ जाएगा 1200 रुपये, 12 और 4 1600, पता ही है कोई डाउट? क्लियर। अगला मेन पॉइंट, जो बच्चे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 12th क्लास में प्रीमियम भी डेबिट किया करते थे थोड़ा बहुत याद आएगा, तो वो इन दोनों केस में प्रीमियम डेबिट नहीं होता, अगला जो करूँगा इसमें होता है। फेल होगा ऑन प्रीमियम पे हो जाए, या तो ऑन प्रीमियम पे हो जाए या फिर और आफ्टर प्रीमियम। सर ये 2 पॉइंट बताए, मैं दोनों के लिए 2 केसेस छोटे छोटे से बना लूंगा और फिर मैं करके दिखाऊंगा। यानी सिंपल सी बात है, यहां पे मान लिया जाए मेरा 10+2 का ही मान के चलते हैं, और 10+2 में अगर देखा जाए तो फिर से वही ले लेते हैं, है ना, कितने रुपए, 2 रुपए, 6 रुपए और 4। इस बार यहां रखते हैं, यहां रखते हैं 2 रुपए, क्या होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और 4 रुपए क्या होगा शेयर कैपिटल, और यहीं पे राम है और यहीं फेल हो गया, यहीं पे राम है और यहीं फेल हो गया, इसका शेयर फोरफीचर इसके बाद करने जा रहे हैं। क्लियर। अब ऐसे सिचुएशन में देखना क्या एंट्री होगा, सबसे पहले करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल डब बताओ कितने से है, कितने मांगे हमने राम से, तो ये भी मांगा 2, ये भी मांगा 4 6 और 4 10, पूरे 10, तो ये ऐसे सिचुएशन में 10 × क्या होगा हमारा 200, कितने शेयर है राम का लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूँ 200 ही लेके चल रहे हैं, तो 2000 कितने आ गए हमारे। अब मुद्दे की बात आती है, सर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम पे फेल हुआ है, अब आप थोड़ा सा रिमाइंड करना सिक्योरिटी प्रीमियम वाले एंट्री, हमने मांगा होगा राम से सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे, तो पता ही क्या करा होगा हमने अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा होगा, मैंने करा होगा शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को इनकम मान रखा है। अब वो इनकम तो कन्फर्म हुआ ही नहीं ना, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, जब आपने पूरी डिटेल एंट्री करी होगी तो करा होगा ना ये एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू आपका इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखने का मतलब है आप ये मान के चल रहे हो ये मेरी इनकम है, लेकिन सच्चाई ये है जब ये दे ही नहीं रहा तो इनकम बना नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ फेल हुआ है तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना होगा। सर क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि पहले इनकम नहीं था, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है 2 रुपए का, तो 2 × 2
यानी 400 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। पॉइंट को समझिए, अगर कोई शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्रीमियम पे फेल हो जाए या सिक्योरिटी प्रीमियम मांगने के बाद फेल हो जाए, तो मतलब पेमेंट नहीं किया इसने और फिर फेल होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। कहने का सिंपल सा बात है कि अगर आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं भी मांगा गया हो और आप फेल हुए हो सिक्योरिटी प्रीमियम पे, तो फोर फीचर करते टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपने इशू के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया होगा। समझे बात? अब इसके बाद टू क्या आएगा हमारा सर? टू आएगा इक्विटी शेयर, सॉरी टू क्या आएगा? शेयर फोरफीचर। सर शेयर फोरफीचर कितना करेंगे? सिर्फ दो ही तो दिया है इसने, यहां से तो कंटिन्यू फेल ही फेल चल रहा है ये। सिर्फ कितने दिए? दो, तो कितने आ जाएंगे आपके? 400। सर अब कॉल सिनेरियर में क्या दिखाएंगे? कॉल सिनेरियर, हाँ अब सही बात है, कॉल सिनेरियर में आपको प्रीमियम ऐड करके दिखाना होगा, इस बात का ध्यान रखना। यानी अब आप दिखाओगे 200 मल्टीप्लाई 6 और 4 10, यानी क्या दिखाओगे? 2000 रुपये। ठीक है, सिर्फ कैपिटल कैपिटल नहीं दिखाना एरियर में, क्योंकि एरियर प्रीमियम भी तो रहा होगा उसका, तो दोनों ही रखा होगा, तो ये आएगा हमारा 2000 रुपये। बताइए कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? आप पूछ सकते हो डाउट? डाउट बताइए इसमें है तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, आप एंट्री नोट करिए, फिर डाउट होता है तो आप डेफिनेटली पूछिए। जब हमारा शेयर इशू हुआ था एट प्रीमियम पे और वो फोरफीचर हो गया, तो यहाँ पे दो ही केस बनते हैं बेसिकली, मैंने तीन पार्ट में कन्वर्ट किया है, दो पॉइंट्स बन सकते हैं। या तो उससे प्रीमियम का पैसा मांगा गया था और वो फेल हो गया, या फिर उससे प्रीमियम का पैसा नहीं मांगा गया था तब फेल हुआ और तभी फोरफीचर हो गया, या प्रीमियम देने के बाद हुआ। तो दो केसेस ये हैं, जब उससे प्रीमियम का पैसा दिया और फिर फेल हुआ, तो इसके अंदर यहाँ पे फेल हो रहा है ये, तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल एंट्री है, प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। सेम ऐसे अगर बिफोर प्रीमियम फेल होता है और इसका फोरफीचर भी हो जाता है, अगर ये प्रीमियम तक पहुँच जाता तो इसमें प्रीमियम इन्वॉल्व होता, ऐसे केस में भी प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखें या शेयर फोरफीचर लिखेंगे वहाँ प्रीमियम का अमाउंट नहीं जोड़ेंगे। तीसरे केस की बात करते हैं, फेल हो जाता है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे जब फेल होगा तो ऐसे सिचुएशन में इसको प्रीमियम पे फेल कब होगा? जब मैंने इससे मांगा होगा प्रीमियम, और जब मांगा होगा तो मैंने शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यानी जब मैंने मांगा था तो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने क्रेडिट किया है और मैंने इसे इनकम मान के रखा हुआ है, लेकिन ये इनकम जनरेट होगा नहीं, तो इस इनकम को हम कैंसिल करेंगे कैसे? डेबिट करके। तो एंट्री क्या करा मैंने? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिक्योरिटी प्रीमियम को इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि पहले हम इनकम मान चुके हैं, तो मैंने यहाँ डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया जी? 2 रुपये का प्रीमियम था, 200। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? टू शेयर फोर फीचर कितने आ गए हमारे? 400। टू कॉल सिनेरियर क्या आ गया हमारा? 2000 रुपये। अब यहाँ पे एक केस और बन सकता है, आप सभी ने नोट कर लिया है, तो एक केस और बन सकता है। देखो मैं मैक्सिमम केस लेके चलना चाहता हूँ कि आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें। एक केस और क्या बन सकता है यहाँ पे जी? केस ये बन सकता है कि मान लेते हैं कि 10+2 है ये, ठीक है, और 10+2 की अगर हम बात करें, मैं इसका डिटेल कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। डिटेल ये है, मान लेते हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, तो कितने हो गए? 4, 2, 6, 3, 9, और ये 3 रुपये हैं। 1 रुपये यहाँ प्रीमियम है, 1 रुपये यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, और 3 रुपये शेयर कैपिटल है। 1 रुपये यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम है, और शेयर कैपिटल कितने का हो गया? 2 का। अब एक शेयर होल्डर मिस्टर राम है, मिस्टर राम जिसके पास 200 शेयर है, वो यहाँ फेल हो रहा है, और टू बी कंटिन्यू यहाँ शेयर फोरफीचर हो गया। समझ रहे हो केस क्या है? यहाँ पे इसने प्रीमियम दिए भी हैं और फेल भी हुआ है, तो ऐसे केस में क्या एंट्री करेंगे? देखिए ऐसे केस में एंट्री करने वाले हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा कॉल्ड अप है 10 रुपये, तो 200 × 10 यानी 2000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम कितने डेबिट होगा? सिर्फ यहीं पे फेल हुआ है ये तो पेड कर चुका है तो डेबिट नहीं होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट यहाँ पे होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 1, कितने? 200।
और टू शेयर फोर फीचर, जी शेयर फोर फीचर एक ये दे दिया इसने और एक कैपिटल प्रीमियम, तो फोर फीचर होता नहीं, तीन और दो पाँच, तो 200 गुणा में पाँच यानी 1000। टू कॉल सिनेरियर, अब बताइए कॉल सिनेरियर में कितना होगा, एक ये फेलियर एक फेलियर, तो तीन और तीन छः, तो यहाँ 200 गुणा में क्या आ जाएगा, छः 1200 रुपये। तो आप टोटल करके देख सकते हैं, क्रेडिट भी 2200 और डेबिट भी क्या है हमारा 2200। तो इस टाइप के भी पॉइंट्स हमारे बन सकते हैं, क्लियर है। तो अब प्रीमियम वाला मैंने सारा का सारा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है, अब हम चलेंगे इसके बाद, पहले इसे नोट कर लो फिर इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे देखते हैं हम।